हेलो फ्रेंड एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक तो फ्रेंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस साथ ही में यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर भी तो फ्रेंड फंडामेंटल पैरामीटर के लिए हम चलते हैं पे स्क्रीनर्स पर स्क्रीनर्स पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर स्टॉक के तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है आज के दिन हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहा है छे के नीचे मतलब पांच सौ पे अब स्टॉक का यहाँ पर प्राइस चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो फिर यहाँ पर

तो ये लगभग आपको आधी दिखाई दे रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का जो डिविडेंट रिल्ड है वो बहुत ही कम है वन पॉइंट वन एट मतलब नी के बराबर पर डिविडेंट मिलता है डिविडेंट मिलता ही नहीं है आप ये कंसिडर यहां पर कर सकते हैं पर आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फोर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिल जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो ट्वेल्व का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलता है यहां पर आप देखते हैं इसकी फेस वैल्यू तो यहाँ पर फेस वैल्यू मात्र एक रुपए की आपको देखने को मिलती है

ये देखेगा इससे मैं यहां पर करता हूं हाईलाइट यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पच्चीस रुपए के आसपास कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिर नीचे फिर ऊपर जाता है, है यहीं कंसोलिडेट के यहीं के करता है फिर जब इसके अंदर तेजी आई तो स्टॉक ने यहाँ पर पांच तक के हमको हाई दिखाई पांच सौ जाने के बाद स्टॉक ने रजिस्टेंस फेस किया और इस रजिस्टेंस के बाद स्टॉक

ये देखिएगा 525 के अराउंड पांच सौ पिछहत्तर स्टॉक ने क्या किया है पर कंसोलिडेशन किया 525 से पांच मतलब 50 पॉइंट ऊपर यहां से स्टॉक जाता है इसके बाद स्टॉक के अंदर तेजी आती है और स्टॉक ब्रेकआउट करके यहां पर छह सौ तक आपको देखने को मिलता है यहां पर हो जाती है स्टॉक में हल्की गिरावट फिर स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है फिर हमने देखा छह से छह तक स्टॉक यहां पर गया है। ये देखिएगा और उसके बाद वापिस स्टॉक गिरता है गिर करके अब देखिए जहां पर पहले क्या लिए जा रहे थे रेजिस्टेंस वहां पर स्टॉक ने अब सपोर्ट जनरेट किया है कहां की हम बात कर रहे हैं पांच की फिर स्टॉक ऊपर जाता है और लगभग आप देखेंगे यहाँ पर छह तक आपको स्टॉक यहां पर देखने को मिल जाता है फिर वापस अभी गिरावट हुई थी और इस गिरावट का वापस हमने यहाँ पर देखी थी हल्की तेजी लेकिन आज वापस स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अभी स्टॉक काम कर रहा है फाइव नाइनटी के लेवल पे तो फिर मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा यदि ऑलरेडी होल्ड किया है अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा पांच रुपए की जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ऊपर स्टॉक है इसे आप होल्ड करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यदि पर इसके नीचे स्टॉक आता है और यहां पर अगर एंट्री करते हैं कंटिन्यू है, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ सकता है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे क्या करें पांच के ऊपर होल्डिंग डेफिनेटली रखिए क्योंकि यदि छ के लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक और ऊपर की तरफ जाता है कहां तक जाता है 630 के ऊपर सस्टेन करता है 635 के आसपास अगर कंसोलिडेट करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छी तेजी दिखाई देगी और स्टॉक का अगर साल भर का टारगेट देखें तो 700 प्लस भी आपको दिख सकता है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि स्टॉक यहां पांच के ऊपर ट्रेड करे यदि पांच के नीचे आ जाता है तो स्टॉक यहाँ पर नीचे कहां तक आ सकता है पांच से लेकर के पांच रुपए तक भी दिख सकता है और यदि पांच तक गिरेगा तो वहां पर सपोर्ट लेके फिर आपसे रिवर्सल आ सकता है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पांच के नीचे स्टॉक अगर गया तो यहां पर लॉन्ग टाइम लगेगा वापस ऊपर रिकवर करने में इसलिए यहाँ पर आप क्या करें यहाँ पर अगर, अगर आपकी होल्डिंग है तो आप इसे कंटिन्यू करें लेकिन तो रुपए के ऊपर ऊपर और यदि लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर कोई फ्रेश इंट्री का आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए स्टॉक अगर नीचे गिरता हुआ दिखता है आपको ये देखिएगा इस तरह से स्टॉक अगर नीचे गिरता है और यहाँ पर पांच सौ पिछहत्तर रुपए के आसपास स्टॉक आपको यहाँ पे रिवर्सल लेता हुआ दिखे तब आप इसमें एंट्री कीजिएगा और रिवर्सल दिखे तभी एंट्री करें और यदि एंट्री करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर 625 से 630 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना होगा यदि पांच सौ रिवर्सल दिखे तभी एंट्री करेंगे तो नीचे की तरफ ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा मात्र दस पॉइंट का पांच रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा लेकिन इस बात का ध्यान रखें रिवर्सल पे

होना ही है तो फिर ये था हमारा टेक्निकल व्यू अब हम चलते हैं एक बार इसके अंदर देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में क्या सलाह हमें दे रहे है।

वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो